हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी के बारे में। एंड द मूवी इज जोकर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.5। इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड काफी स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपको कोई स्पॉयलर नहीं चाहिए तो वीडियो को आगे ना देखें। जोकर स्टोरी है आर्थर फ्लैक नाम के एक इंसान की, जो कि एक मेंटली इल पर्सन होता है, जिसे पूरी सोसाइटी, उसके लोग सब नकारते हैं। नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम एंड नो वन एवर केयर्ड फॉर हिम, भले ही वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसे सोसाइटी के नेग्लिजेंस और वो अनवांटेड की फीलिंग कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। क्या जोकर कोई साइको किलर था? नहीं, उसने बस उन्हीं लोगों को मारा जो उसकी हालत के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो थे, या फिर वो लोग जो उसकी हालत का बहुत मजाक उड़ाते। इतना हेट और अनवांटेड फील करने के बाद वो डिप्रेस सा हो जाता है, और जोकर जैसे उसके लिए कोपिंग मैकेनिज्म का काम करता है। ही वॉज नेवर रियली हैप्पी, पर वो सबवे का सीन जहाँ वो तीन लोगों को मारता, वो टाइम था जब उसने फाइनली खुद को एक्सेप्ट किया और वो दिल से खुश था। उसके चेहरे पर कोई भी गिल्ट का साइन तक नहीं था। जैकिन फिनिक्स एज जोकर टुक एक्टिंग टू अ होल न्यू लेवल। वो हॉस्पिटल का सीन जब वो अपनी माँ से बोलता है, आई यूज टू थिंक माई लाइफ इज़ अ फकिंग ट्रेजेडी बट नाउ आई रियलाइज इट्स अ फकिंग कॉमेडी, और फिर जब वो उसको मार देता है क्योंकि उसका बंदा उसकी आंखों के सामने आर्थर को एब्यूज करता रहा एंड शी नेवर स्टूड अगेंस्ट दैट गाय। वो गिल्ट उसकी आंखों में देख रहा था, उसे पता था कि क्या बनता जा रहा है वो, पर शायद वही उसकी डेस्टिनी थी। एंड ही एम्ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग द जोकर। शायद ऐसा ही होता भी है, जब किसी मेंटली इल पर्सन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर वो कुछ अलग ही बन जाता है। एंड द सेम थिंग हैपन्ड विद हिम। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी, सारे एक्टर्स की एक्टिंग इसे एक अलग आइडेंटिटी देती है। और हाँ भाई, ये होता है सिनेमा, वी एज ह्यूमन आर स्लाइटली मोर अट्रैक्टेड टू द विलेनस साइड मोर देन द हीरोइक वन। शायद वही रीजन था वो सबवे वाले इंसिडेंट के बाद उसके इतने फॉलोअर्स बन जाने का। ये मूवी मेनली आर्थर फ्लैक का पर्सपेक्टिव दिखाती है, वो मुरे का शो जहाँ वो फाइनली एक्सेप्ट करता है जो भी उसने किया। ही लव्ड मुरे एंड द शो, ही वॉज लाइक एन आइडल टू हिम। पर जब मुरे अपने शो पर उसका मजाक उड़ाता है और फिर उसे अगले शो पर इन्वाइट करता है जस्ट टू मेक मोर फन ऑफ हिम, दैट वॉज द टाइम व्हेन ही हैड इनफ ऑफ एवरीथिंग। सबको लगता है वो खुद को मारेगा, पर वो मुरे को मारता है। एंड दैट पिन ड्रॉप साइलेंस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। फिर जो वो डांस करता है जैसे कि उसने सारे रॉन्ग्स को राइट कर दिया है, वो काफ़ी था हमें यह समझाने के लिए कि आखिर क्या बन गया है वो। थॉमस वेन का मर्डर वॉज मोर लाइक आइसिंग ऑन द केक। एंड फाइनली ही स्टार्टेड अ मूवमेंट विच ही नेवर रियली इंटेंडेड टू। और मूवी कई सवाल छोड़कर खत्म हो जाती, जैसे क्या वो सब रियल था या महज उसकी इमेजिनेशन। अगर हम थ्योरीज बनाएंगे तो बहुत बन जाएंगी, बट दैट मूवी वॉज कोल्ड येट डिजर्व द ऑस्कर इट रिसीव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जोकर 2 से रिलेटेड कोई अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो लाने। एंड प्लीज़ शो अस सम लव, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस कंटेंट एंड योर रिव्यूज एंड सपोर्ट मोटिवेट्स अस टू वर्क इवन हार्डर। सो बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।